आत्मा तो हजारों सालों से जल रही है। जो जबर हमारे बुजुर्गों ने अपने तन और मन में भोगे हैं, उनकी चीज, उनकी तड़प अभी तक हमारे अंदर है। बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छी तरह स्कूल नहीं, तो हम बोल रहा, हमारा मांग यही है, हमारा बजट से हमको क्या चाहिए, वो स्कीम सभी बना के एक कानून लगा। अगर 100 में 25 ये बीक नहीं, 100 में 25 हमारा हक है, 100 में 25 हक हमारा। दलित बजट नहीं है तो वोट नहीं, वोट नहीं। दलित बजट नहीं है तो वोट नहीं, वोट नहीं। दलित बजट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। हमारे पक्ष में हमारे बजट को लागू करो, हमारे बजट की हेरा फेरी मत करो, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करो और हमारे बच्चों के लिए पूरी सुविधा से संपन्न छात्रावास बनाओ। दलित छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BASF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BASF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा तेरे सपनों को मंदिर तक पहुंचाएंगे, बाबा तेरे सपनों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। कि अपने बच्चियों को, अपनी छात्राओं को, अपनी लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ाए, कम उम्र में शादी सबसे पहले बंद करें। ये भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक कुरीति है जो हमने अपनाया है। शादी कम उम्र में नहीं करेंगे बच्चियों की, और उच्च शिक्षा तक पढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन तक पढ़ाएंगे, क्योंकि इनके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इनकी सीटें खाली जाती हैं क्योंकि ये इनको पहले ही रोक दिया जाता है। तो आज हम मांग रहे हैं कि जैसे बाकी लोगों को पढ़ाई होती है, हमें भी उच्च पढ़ाई चाहिए। हमारी स्कूल में टीचर चाहिए, पानी चाहिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, हमारी बच्चों के लिए हॉस्टल चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, बाहर जाने के लिए पैसा चाहिए। ये सब सरकार की पैसा में उनको हमको रकम देना है। तो हम मांग रहे हैं अपनी आगे की जिंदगी के लिए, अपनी बच्चों की जिंदगी के लिए। इसीलिए तो इतने बच्चे आए हैं आज, इतनी हर कॉलेज से, हर गांव से, यूपी से, पंजाब से, उड़ीसा से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से आए हैं कि हमें पढ़ने दो। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो SCP और STP का प्लान है वो बिल्कुल वही खर्च होना चाहिए। आज दलित आदिवासियों के अस्तित्व में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा है, चारों तरफ से खतरा है। जहां उनके छात्र जो निकल रहे हैं उनकी नौकरियों पे खतरा है, छात्रों की शिक्षा पे खतरा है, और गांव में उनके जल जंगल जमीन पे खतरा है। तो ये चारों तरफ से जो है पूंजीवादी ब्राह्मणवादी ताकतें ये एक साथ मिल गई हैं और अलग अलग तरीके से जो है दलित आदिवासियों की अस्मिताओं पे उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही हैं। और उसका एक ही उत्तर है कि हम लोग मिलजुल करके, एक होकर के उनके इन मुकाबलों को, उनका पर्दाफाश करें।